हेलो दोस्तों, सो वेलकम टू अनदर वीडियो। सो पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे FICCI या NCI के बारे में, जहाँ पे मैंने स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन के बारे में एंड आप CII को FICCI को कैसे कैसे काम पे ले सकते हो या फिर कैसे कैसे आप लोग उस पे जाके रजिस्टर कर सकते हो एंड कैसे इन लोगों का काम होता है। तो मैं ये सारी चीज़ आपके साथ एक नॉर्मल ब्रीफिंग आइडिया मैं आपके साथ एक शेयर कर दिया। सो आज हम लोग बात करेंगे हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम, इंडिया का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम्स है, इन सब के बारे में क्या क्या आपको फैसिलिटीज़ मिलता है एंड कैसे आप एक स्टार्टअप कर सकते हो इंडिया में। अभी दिस इज़ ऑलरेडी ऑलमोस्ट द एंड ऑफ 2019, तो 2020 से अगर आप कोई स्टार्टअप करने के लिए सोच रहे हो या फिर आप कोई स्टार्टअप कर रहे हो, तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आता है नॉर्मली एंड उसका सल्यूशन क्या है, तो मैं इन सब चीज़ के बारे में आज बात करूँगा। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो पहली बात मैं आता हूँ जो सबसे मेन और वाइटल जो टॉपिक होता है हर एक स्टार्टअप स्टार्ट करने से पहले, कि स्टार्टअप स्टार्ट करने से भी पहले एक सवाल आता है फॉर योर पेरेंट्स और फैमिली से, आपका रिलेटिव से, आपका फ्रेंड जोन से, कि स्टार्टअप तो स्टार्ट ऑलरेडी आप लोग कर लोगे, बट करके आप कितना प्रॉफिट कमाओगे, वो कितना सिक्योर है एंड वो कितना प्रॉफिटेबल है, वो कितने दिन में आपको प्रॉफिट जनरेट करेगा, अगर लॉस हो गया देन क्या होगा। सो बहुत सारा क्वेश्चंस रहता है वो सारे के सारे चीज़ में। पीछे का बैकग्राउंड ऑफ हो गया था तो मैंने उसको ऑन कर दिया। मैं अगर बात करूं कि नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस का, अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस देख के अगर स्टार्टअप करने के लिए सोच रहे हो, तो आप बेहतर होगा कि आप स्टार्टअप मत ही करो, क्योंकि स्टार्टअप का एक ऐसा स्टार्टअप एक ऐसा चीज़ है जिस पे आप अगर पैसे के लिए अगर आप कुछ चीज़ करने के लिए सोच रहे हो, इसमें सक्सेसफुल होने का चांस या फिर फोबिया, वन टाइप ऑफ फोबिया, फिर प्रेशर आपको सक्सेसफुल होने से रोक देगा। पहली बात तो ये, अगर आप स्टार्टअप कर रहे हो तो फिर ये समझ के स्टार्टअप कर लेना कि नेक्स्ट 5 साल आपके लाइफ का सबसे खराब 5 साल जाने वाला है। अगर आप ये सोच के स्टार्टअप कर रहे हो तो आपका स्टार्टअप का सक्सेसफुल होने का चांस बढ़ जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके स्टार्टअप में बहुत सारा फ्लॉस है, वो भी आप बंद कर सकते हो अगर आपका मेंटेलिटी ऐसा रहा तो। आप ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, हर लोग हर सब जो भी मोटिवेशनल जो भी स्पीकर्स हैं, जो भी सारे लोग हैं, बड़े बड़े हस्तियाँ जो बैठे हैं, वो लोग कभी स्टार्टअप किया नहीं। पहले तो बात मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ, मैं खुद 7 से 8 स्टार्टअप कर चुका हूँ एंड सारे स्टार्टअप्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आया, कुछ ना कुछ स्टार्टअप जाके मैंने बेच दिया, कुछ ना कुछ स्टार्टअप मैंने जाके किसी को हैंडओवर कर दिया, किसी स्टार्टअप से मैं खुद रिजाइन देके निकल आया। बट वन थिंग, मेरा आज तक का कोई भी स्टार्टअप फेल नहीं हुआ, मैंने उसको खुद बंद कर दिया या फिर उसको खुद किसी को दे दिया, ट्रांसफ़र कर दिया, या फिर वो जो स्टार्टअप था वो स्टार्टअप मैंने किसी हाल में किसी सिचुएशन में आके या फिर कोई पॉलिटिकल सिचुएशन में आके मैंने उसको बंद करने के लिए मजबूर हो गया। बट अभी तक मेरा कोई भी स्टार्टअप फेलियर नहीं हुआ। अब रीज़न क्या है बंद होने का, या फिर रीज़न क्या है फेलियर होने का, या फिर रीज़न क्या है जो जो भी सारे स्टार्टअप्स फेल होता है, क्यों फेल होता है, क्यों मेरा फेल नहीं हुआ, क्यों दूसरे का फेल होता है, क्यों मैं फेलियर स्टोरीज के बारे में क्यों मैं ज़्यादातर मैं बात करता हूँ, क्यों मैं सक्सेस स्टोरीज के पीछे मैं नहीं भागता, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में अगर कोई स्टार्टअप करने के लिए जा रहा है उसको सबसे पहले फेलियर स्टोरीज को समझना पड़ेगा। अगर आप फेलियर स्टोरीज नहीं समझोगे, फेलियर होने का चांस, अगर आपको फेलियर का, अगर आपको स्टार्टअप का अगर कोई फ्लॉज है आपके स्टार्टअप में, अगर आप फ्लॉज नहीं ढूंढ पाओगे तो फिर आपका सक्सेस होने का चांस सबसे कम हो जाएगा। पहली बात तो आप ये ध्यान में रख लो। एंड जो बोलते हैं बहुत बड़े एक पॉलिटिकल लीडर हैं जो बहुत बड़े लंबा चौड़े भाषण देते हैं
चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। उन्होंने बोला था कि आपके अंदर कुछ करने का जुनून होना चाहिए, पैसा तो बाई प्रोडक्ट आ जाएगा, पर मैं पहली बात एक चीज कह देता हूँ, इफ यू हैव नो मनी, आपके लिए स्टार्टअप कर पाना इस नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मैं ये बात आपको लिख के भी दे सकता हूँ, क्योंकि आई हैव टू मच एक्सपीरियंस इन माई ओन स्टार्टअप्स एंड अकॉर्डिंगली मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो स्टार्टअप कर चुके हैं, किसी का सक्सेसफुल हो गया, किसी का अभी तक चल रहा है, किसी का ऑलरेडी उसका स्टार्टअप फेल हो गया, मैं फेल तो नहीं कहूँगा, लैक ऑफ फंडिंग वो स्टार्टअप बंद कर दिया, एंड ऐसे बहुत सारा, मतलब टोटल अगर आप देखोगे इंडिया में जितने सारे स्टार्टअप्स है, स्टार्टअप बंद होने का एक ही सिर्फ रीज़न है, ज़्यादातर जो रीज़न होता है, मतलब इस 94.3% स्टार्टअप फेल ड्यू टू लैक ऑफ फंडिंग। ये बात जो मैं कह रहा हूँ, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात इकोनॉमिक्स टाइम कह रहा है, ये बात कह रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक्स का जो भी सारे सर्वे हुआ था स्टार्टअप्स को लेके, वो कह रहे हैं। एंड सबसे बड़ी बात, जो स्टार्टअप इकोसिस्टम्स है, जितने सारे बड़े बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम्स हैं एंड जितने सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, वो ये सब डेटा दे रहे हैं। बड़े बड़े न्यूज़ चैनल में ये डेटा आपको मिल जाएगा। आपको एक सिंपल सा, अगर मैं आपको एक एक नॉर्मल एक चीज़, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको दिखाऊं या फिर बोलूं, तो फिर आप लोग ताज्जुब हो जाएंगे। आप लोग डायरेक्टली अभी इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके, मैं एक वेबसाइट का एक नाम बोलता हूँ जो गवर्नमेंट का ही खुद का है, आप डायरेक्टली चले जाओ उद्योग आधार के नाम पे, देखो एक साइट है वहाँ पे, अगर आप जाओगे उद्योग आधार के साइट पे, आप देखोगे कि कुछ समथिंग लाइक 2 करोड़ के आसपास ऑलरेडी स्टार्टअप्स नहीं कहूँगा, एंटरप्रेन्योर ऑलरेडी एंटरप्रेन्योर रजिस्टर्ड है वहाँ पे 2 करोड़ के आसपास। मतलब हमारे पूरे भारत का जो आबादी है 130 करोड़ है, उसमें से 2 करोड़ सिर्फ स्टार्टअप्स, ऑलमोस्ट आप स्टार्टअप्स ही बोल सकते हो उसको, वो लोग भी स्टार्टअप्स हैं। एंटरप्रेन्योर या फिर उद्योगी जो भी एक नया उद्योग लेके कोई काम स्टार्ट करते हैं, तो आप उसको उद्योगी कह सकते हो, तो वो लोग रजिस्ट्रेशन लिए हैं वहाँ से, एंड रजिस्ट्रेशन इज ओवर देन 2 करोड़। अगर एक एक नॉर्मल, अगर आप लोग देखोगे कि नॉर्मल, अगर एक एक स्टार्टअप में अगर 10 करके भी लोग काम करे, अगर एक एक ऑर्गेनाइजेशन में, स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशन में अगर 10 करके भी अगर अगर अब लोग का काम अगर करें, तो फिर 2 करोड़ स्टार्टअप्स है इंडिया में। वहाँ पे जाके होता है 20 करोड़ लोग। ये जो डेटा जो है, ये डेटा गवर्नमेंट के पास एक अदरवाइज तो फेक डेटा है, या फिर जो डेटा है वो डेटा के अकॉर्डिंगली अगर आप एक्टिवली अगर आप चेक करोगे हर महीने, मैं अगर डेटा आपको बोलूँ आप ताज्जुब हो जाओगे, हर महीने 10,000, कम से कम 10,000 कंपनी रजिस्टर्ड हो रहे हैं इन इंडिया, इन कॉरपोरेट हो रहे हैं 10,000 कंपनी मिनिमम से मिनिमम। पर एक्टिवली कितना कंपनी काम कर रहे हैं, एक्टिवली कितने कितने कंपनी मार्केट में स्टेबल हो रहे हैं, अगर आप ये देखोगे, तो इसका आपका मैथ्स अगर आप समझने के लिए थोड़ा सा अगर आप कोशिश करोगे, तो आपका स्टार्टअप करने का जो भी सारे मन मन से जो भी सारे चीज़ आ रहे हैं ना, वो सारे सारे चीज़ बंद हो जाएगा। क्योंकि स्टार्टअप करना एक अलग बात है, और स्टार्टअप करके उसको कंटिन्यू करना, दिस इज़ अ नेक्स्ट लेवल चैलेंज आप लोगों के लिए। अभी का जो इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर है इंडिया का, इसके लिए दिस इज़ अ वेरी ह्यूज चैलेंज फॉर एवरी स्टार्टअप्स एंड एवरी यूथ स्टार्टअप, बिकॉज ऑफ इंडिया के जितने सारे फंडिंग था, जो भी सारे बाहर के इन्वेस्टर्स था, वो ऑलमोस्ट इन्वेस्टर्स इंडिया से फंडिंग उठा रहे हैं, क्योंकि हमारे इंडिया का जो भी सारे जीडीपी है वो डे बाई डे इज़ ऑलरेडी ग्रोथ डाउन होता हुआ जा रहा है, एंड इंडिया का इकोनॉमी वो घटता हुआ जा रहा है। इंडियन इकोनॉमिक्स के वजह से बहुत सारा चीज़ इफेक्टेड इफेक्टेड हो रहा है, एंड इंक्लूडिंग स्टार्टअप सेक्टर इज़ अ ह्यूज ऑलरेडी, आप लोग कहते हो कि लॉस हो रहा है स्टार्टअप सेक्टर में, जो भी सारे स्टार्टअप आ रहे हैं वो फंडिंग नहीं ले पा रहे हैं।